बिल्कुल गाइस। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि बनवास मूवी का जब से ट्रेलर आया है उसके काफी ज्यादा पॉजिटिव से रिव्यू आए हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी रिव्यू करते हैं। और दोस्तों, मुझे भी अगर देखा जाए तो ये जो ट्रेलर है काफी ज्यादा पसंद आया है। हालांकि हम सभी को पता है उत्कर्ष शर्मा काफी अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने जीनियस जैसी बेहतरीन मूवी करी। मूवी को ख्याति जो है यूट्यूब पर आने के बाद मिली, लेकिन जेन्युइनली काफी बेहतरीन मूवी थी जीनियस। उसके बाद जो है कि उन्होंने गदर, वो तो तब तो छोटे थे लेकिन गदर 2 में जब काम किया तो उसमें भी उनका काम बोला है सनी पाजी के साथ। और उसके बाद काफी दिनों बाद जो है कि उन्होंने बनवास मूवी जो भाई कर रहे हैं, ये काफी बेहतरीन मूवी है और इसको अनिल शर्मा ही जो है कि डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही साथ नाना पाटेकर जो है कि इस मूवी में काफी अहम रोल निभा रहे हैं। और दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफी बेहतरीन है और जो लास्ट में म्यूजिक बजता है स्लोमो में सोनू निगम जी का, कि अपने ही अपनों को देते हैं वनवास, दैट वाज एपिक। और मैं बोलूंगा ये काफी ज्यादा बेहतरीन था। और दोस्तों, बात करें मूवी के जो भाई स्टोरी रहने वाली है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट मूवी की जो स्टोरी है वो रिवील ही कर दी है, क्योंकि मूवी की जो स्टोरी है वो कुछ इसी प्रकार से है यार। इस मूवी में हम सभी को जो है कि सब कुछ देखने को मिल सकता है, जिसमें कि ड्रामा है, एक्टिंग है, कॉमेडी है, रोमांस है, सब कुछ तो है दोस्तों यार इस मूवी में। और स्पेशली इस मूवी की अच्छी बात यह है कि जो मूवी है ज्यादातर जो इसकी शूटिंग हुई है वो बनारस में हुई है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और जो भी हमारे यूपी वाले भाई हैं वो भाई इस मूवी को काफी बढ़िया तरीके से देखेंगे, काफी बढ़िया तरीके से इस मूवी को सपोर्ट करने वाले हैं। और मूवी की स्टोरी तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, और दोस्तों इसमें हर तरीके से इमोशंस हैं, और भाई क्या ही बताऊं मूवी के बारे में, मतलब काफी ज्यादा अच्छा ट्रेलर लगा मुझे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसका ट्रेलर है, अगर स्टोरी भी उसी तरीके से रही तो एक काफी बड़ा ब्लॉकबस्टर दोस्तों ये जो मूवी है वो देखने को मिल सकती है। बाकी आपका अपना ओपिनियन क्या है दोस्तों, ये आप हमें जरूर बता सकते हैं। बाकी आप सभी से मिलते ही रहेंगे ऐसे वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।